सितंबर 2022 के अपकमिंग स्मार्टफोन के वीडियो में मैंने आपको कुछ स्मार्टफोन्स बताए थे जो सितंबर के मंथ लॉन्च होने वाले थे, और उनमें से कुछ ऑलमोस्ट स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, बट सिर्फ तीन स्मार्टफोन को छोड़ के, OnePlus Nord 3, Xiaomi 12T सीरीज और Ricoh Neo 7। बट आई थिंक ये स्मार्टफोन अक्टूबर के मंथ लॉन्च होंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन अक्टूबर 2022, जो सही में बहुत मस्त होने वाला है, और ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखना। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ टेक। मेरा नाम है कमिश महांती एंड यू आर वॉचिंग टेक मी मोर। दोस्तों, ये जो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल हुआ था, उसमें फ्लिपकार्ट ने ऑफिशियली टीज कर दिया था कि पिक्सल 7 एंड 7 प्रो, मतलब 7 सीरीज इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। और ये वाला टीजर देख के मुझे सही में बहुत अच्छा लगा कि पिक्सल का 7 एंड 7 प्रो बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और उसका तो छोटा भाई मतलब पिक्सल 6 है, वो तो एक माइंड ब्लोइंग स्मार्टफोन है ही। और ये जो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल चल रहा था, उसमें उसका प्राइस नियरली बहुत ड्रॉप हो गया था, मतलब फ्रॉम 43,000 टू ऑलमोस्ट 27,000, नियरली 20,000 से वो मतलब लो हो गया था। अगर आपने फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी स्मार्टफोन खरीदा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कौन कौन क्या क्या खरीदा है। रियलमी, जब हर कोई स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हैं तो रियलमी क्यों रुके, वो भी अपना रियलमी 10 सीरीज बहुत ही जल्दी इंडिया में लाने वाला है, आई थिंक ये अक्टूबर में। और उसमें दो वेरिएंट्स होने वाले हैं, एक 4G वेरिएंट एंड एक 5G वेरिएंट, आपके हिसाब से आप खरीद सकते हो। आई थिंक 4G वेरिएंट सबसे पहले आएगा, क्योंकि अगर हम रियलमी 9 सीरीज के बारे में बात करें, उसमें भी पहले 4G वेरिएंट ही आया था। आई थिंक रियलमी 10 सीरीज में 4G वेरिएंट पहले आएगा, फिर 5G वेरिएंट आएगा। अगर रियलमी की बात कर रहे हैं तो रियलमी का और एक स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जो है रियलमी GT Neo 4, जो 8 प्लस Gen 1 के ऊपर आता है, 1.5K AMOLED डिस्प्ले आता है, 100 वाट फास्ट चार्जिंग आता है। क्योंकि उसका जो प्रीवियस जनरेशन था मतलब Realme GT Neo 3T, वो सही में एक अच्छा स्मार्टफोन है, और आई थिंक ये भी एक अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि ये Qualcomm Snapdragon 8 प्लस Gen 1 के ऊपर आता है विथ 100 वाट फास्ट चार्जिंग, आई थिंक ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। Redmi, अगर Realme लॉन्च कर रहा है तो Redmi क्यों चुप रहे, क्योंकि Redmi उनका Note 12 सीरीज बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च करने वाला है, आई थिंक ये अक्टूबर को। और आपको तो पता है Redmi के मतलब नोट सीरीज में ऑलमोस्ट AMOLED डिस्प्ले आते हैं, तो आई थिंक इस स्मार्टफोन इस सीरीज में भी AMOLED डिस्प्ले आने वाला है, और वेट कीजिए नोट सीरीज का, जल्दी आने वाला है। Xiaomi का 12 लाइट ये अक्टूबर का लॉन्च होने वाला है। अगर हम इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, इसमें 6.55 इंच का 120Hz AMOLED डिस्प्ले होने वाला है, Qualcomm Snapdragon 778G के ऊपर होने वाला है, 4300mAh का बैटरी होने वाला है। और दोस्तों, इसके साथ साथ Xiaomi का और एक सीरीज लॉन्च होने वाला है, और वो क्या है, वो है Xiaomi 12T सीरीज। अगर हम इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, इसमें वही 6.67 120Hz 2K प्लस AMOLED डिस्प्ले होने वाला है, 4500mAh का बैटरी होने वाला है विद 120W फास्ट चार्जिंग। IQ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो IQ का जो स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है, मतलब IQ Neo 7, वो ये अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। और अगर हम कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, इसमें पावरफुल प्रोसेसर Dimensity 9000 प्लस ये प्रोसेसर आने वाला है, 120Hz का FHD प्लस डिस्प्ले आने वाला है, 120W फास्ट चार्जिंग आने वाला है। और अगर ये स्मार्टफोन AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा तो वो सही में बहुत अमेजिंग होगा। OnePlus, क्या आप OnePlus लवर हो? हो गए, क्योंकि ये अक्टूबर को OnePlus Nord 3 लॉन्च होने वाला है। अगर हम इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, ये Dimensity 8100 के ऊपर होने वाला है विद 50 मेगापिक्सल सोनी IMX766 कैमरा सेटअप, जो सही में बहुत अच्छा है। और OnePlus Nord 2T 80W फास्ट चार्जिंग के साथ आया था, तो आई थिंक ये स्मार्टफोन भी 80W फास्ट चार्जिंग के साथ आ सकता है। सो दोस्तों, यही थे कुछ टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन अक्टूबर 2022। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही कंटेंट्स लाते रहते हैं। और आज का वीडियो एंड होता है यहीं पर। अगले वीडियो आने तक डू दैट मेक्स यू ऑसम एंड टेक केयर।